एक अजान ने हमें चार फजीलतों का हकदार बनाया, फिर एक वक्त के वजू ने हमें इन चार फजीलतों का हकदार बनाया। अच्छा, अब हम मस्जिद की जानिब जाते हैं, मस्जिद की जानिब जाते हैं। ये जो जाना है हमारा, ये जो चलना है हमारा, एक एक कदम जो हम मस्जिद की तरफ जाते हुए रखते हैं, एक एक कदम हमारी दराजात की बुलंदी का सबब बन रहा है। एक एक कदम पे हमारे गुनाह माफ हो रहे हैं। जितनी दूर से आप आएंगे उतने दराजात आप अपने बुलंद कर रहे हैं, उतने गुनाह की गुनाहों की बख्शिश आप करवा रहे हैं। प्यारे नबी ने जो हदीस अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ी, अला अदुल्लुकुम अला मा यमहुल्लाहु बिल खताया व यरफउ बिह दराजात, क्या मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जिस अमल के जरिए से अल्लाह दराजात को बहुत बुलंद करता है तो और तुम्हारे गुनाहों को माफ करता है। पहला अमल आपने बताया था इस्बाग़ुल वुज़ू अलल मकारिह, नागवारी के बावजूद वजू मुकम्मल करना। दूसरा अमल आपने बताया व कसरतुल खुता इलल मसाजिद, मस्जिद की जानिब कसरत से चलकर जाना, मस्जिद की जानिब कदम बढ़ाना। ये फजीलत जो सवार होकर आए उसे भी हासिल होगी, लेकिन उसके मुकाबले में जो पैदल आता है, चलकर आता है, उसे ये फजीलत ज्यादा हासिल होगी, वो इस फजीलत का ज्यादा हकदार होगा। कसरतुल खुता इलल मसाजिद। अच्छा, आप मस्जिद की तरफ आ रहे हैं, एक एक कदम पे गुनाह माफ हो रहा है, एक एक कदम पे दराजात बुलंद हो रहे हैं, और आपकी हैसियत का है जानते हैं, आपकी हैसियत ये है आप अल्लाह के घर को जा रहे हैं, तो हदीस कहती है आप अल्लाह के मेहमान हैं, आप अल्लाह के मेहमान हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका मेजबान है। प्यारे नबी फरमाते हैं मन गदा इलल मस्जिद यौराह अदल्लाहु लहु नुज़ुलहु मिनल जन्नत कुल्लमा गदा औराह, जो शख्स सुबह मस्जिद की तरफ जाए और जो शख्स शाम मस्जिद की तरफ जाए, ऐसे बंदे के लिए अल्लाह जन्नत में मेहमान नवाजी का सामान तैयार करता है। मस्जिद की तरफ जाने वाला ये रब्बुल आलमीन का मेहमान है, और मस्जिद आने वाले बंदों का मेजबान रब्बुल आलमीन है, अर्रहमुर रहीमीन है। कितने शरफ की बात है और कितने एजाज की बात है। और अगर ये जाना दुश्वारियों में, दुश्वारियों का मुकाबला करते हुए, तकलीफों का मुकाबला करते हुए, मशक्क़तों का मुकाबला करते हुए आप जाते हैं, तारीकी में अगर आप जाते हैं, सुबह का वक्त है, तारीक रास्ते हैं, तारीक गलियां हैं, इशा की नमाज है, तारीक रास्ते हैं, तारीक गलियां हैं, तारीकियों का मुकाबला करते हुए भी आप मस्जिद में हाजिरी देते हैं, तो रोज़े क़ियामत प्यारे नबी ने मुकम्मल नूर की बशारत सुनाई है। फरमाया बशरिल मशाइन फिज़्ज़ुलमि इलल मसाजिद बिन नूर तम यौमल क़ियामा, जो बंदे तारीकियों के बावजूद तारीख राहों से गुजरते हुए ज्यादा से ज्यादा मस्जिद जाते हैं, उन्हें खुशखबरी सुना दो कि कल रोजे कियामत जब काफिर और मुनाफिक अंधेरों में भटक रहे होंगे, ऐसे अहले ईमान को नूर ताम मिलेगा, मुकम्मल नूर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से उन पर एजाज और इनाम होगा कि जब काफिर और मुनाफिक जुल्मतों में भटक रहे होंगे, इनकी राहें मुनव्वर होगी, इनके सामने नूर होगा और इनके सामने रोशनी होगी।